सोलन में दशकों पहले जब सामान उठाने वाले मजदूर नहीं होते थे, तब लोग घोड़े खच्चरों पर अपना सामान ढोते थे। उस समय सोलन में सड़कें भी नहीं होती थी, छोटी छोटी पगडंडियों पर ये खच्चर आसानी से सामान लेकर चले जाते थे। आज सोलन बेहद विकसित हो चुका है, सड़कों का जाल बिछ चुका है, घर घर सड़क पहुँचाने के बहुत बड़े बड़े दावे सरकार करती है, उसके बावजूद भी वर्षों पुरानी सामान ढोने की ये विधि आज तक जिंदा है, जिसमें सिरमौर के कुछ लोग आज भी सोलन में खच्चरे पाल रहे हैं और उससे ढुलाई कर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। खच्चरों से ढुलाई में लगे कुछ सिरमौर के लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि सोलन में अभी भी कई स्थान है जहाँ गाड़ियां घर तक नहीं पहुँचती है। ढुलाई में लगे मजदूर माल ढोने के लिए जब अत्यधिक पैसे की मांग करते हैं, तब उनकी मांग बढ़ जाती है और लोग उन्हें संपर्क करते हैं तो वे बेहद कम पैसों में माल की ढुलाई कर देते हैं। खच्चरों से समय भी कम लगता है और खर्च भी कम आता है, यही वजह है कि खच्चरों से ढोने की विधि आज तक सोलन में चल रही है। उन्होंने कहा कि खच्चरों का चारा लगातार महंगा होता जा रहा है, जिसकी वजह से अब उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर सरकार को कुछ नियंत्रण करने की आवश्यकता है। ये ढुलाई का काम करते हैं, हाँ जी, कैसे माइंड में आइडिया आया था कि खच्चरों पे ढुलाई करेंगे? वैसे तो यहाँ पर जो धान है या दूसरे हैं वो फीट पे ले जाते हैं। सर ऐसा है कि पड़ते पे बात है, अब कोई अगर मजदूरों से ढुलाते हैं तो रेट ज़्यादा बोल देते हैं, खच्चर पे ये है कि तब 200-400 बच जाता है उनको भी तो उनको। हाँ जी, कब से कर रहे हैं क्या? ये 20 साल से सर हम, तो खर्चा निकला था खच्चरों का? खर्चा निकालना पड़ता है सर, क्या करना है, ये पेट के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि इनको रखने की भी समस्या अलग से होती है ना? हाँ जी, नहीं रखने की भी अलग से समस्या है, पर टेंट लगे हुए तो लोग आपको फोन करके बुलाते हैं कि खच्चरों वाले चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, फोन करके बुलाते हैं, नंबर ले लेते हैं हमारे से और संपर्क करते हैं, फिर हम चले जाते हैं। कितने साल हो गए हम यही काम करते हैं, मजदूर आदमी हम और रेता बजरी की ढोने का काम है, खच्चर का काम है हमारा, और बाकी रहते हम उधर सिलाई और रहते हम सोलन में यहाँ पे। तो क्या काम करते हम? रेता और रोड़ी ईंटे ढोते हैं और बाकी जो मजदूर का काम होता है वही ढो लेते हैं, हमारा यही काम है, फिर बाकी क्या काम कर सकते हैं। काम मिल जाता है रोज़ ऐसे कभी कभी मिल जाता है, ऐसे रोज का मतलब परमानेंट का काम नहीं है हमारा ना, पर ये तो रोज तो ये तो कभी कभी मिल जाती, दिहाड़ी लग जाती, तो क्या करना, दिहाड़ी तो लगानी पड़ेगी। तो जैसे खच्चरों को खाना पिलाना भी खाना तूड़ी है और धान की चूरी है वो नीचे से मंगाना पड़ता पंजाब से, वो एक गाड़ी भर के जाती है, पिकअप ही आता भर के, बाकी ऐसे कोई पूछने वाले कोई होते नहीं भाई, खच्चरे भूखे रह रहे कोई या कोई ऐसे मतलब ये थे भाई ठीक ठाक है कोई कुछ नहीं।